नमस्ते और जय मसीह सबको। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो मुझे ऐसा भला चंगा रखा है, हम सबको भला चंगा रखा है और सारी दुख तकलीफ कोरोना से मुक्त रखा है और हम अभी इस वक्त जमा हो सकते हैं उनकी महिमा के लिए। दूसरा कोऑर्डिनेटर के लिए कि मुझे ये मौका दिया जाए बोलने के लिए सभा में। जब मुझे पूछा गया था कि मैं बोलूंगी, थोड़ी सी हिचकिचाहट तो थी क्योंकि मैंने कभी हिंदी में नहीं बोला है, तो थोड़ा अजीब लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए और मैं क्या कहना चाहती हूँ वो सही तरीके से पेश हो रहा है या नहीं। ये मेरा पहला अवसर है जहाँ की मैं हिंदी में कुछ समय के लिए पवित्र शास्त्र से परमेश्वर के वचन का साझा करना चाहूंगी आप सबके बीच में। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि और आशा करती हूँ कि जो वचन से हम जिसका अध्ययन करने वाले हैं हम सबको उससे परमेश्वर का आशीष। पहले हम सब शीश झुकाएं, छोटी सी प्रार्थना की। हे अवसर के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। मुंह भले ही मेरा हो पर सारे शब्द ध्यान सारी महिमा आपकी दृष्टि के कार्य हो। जो भी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए जूम मीटिंग के द्वारा जहाँ पे हम आ सके और आपका ध्यान कर सके, आप सबको आप मिले यीशु मसीह के नाम से हूँ, आमीन। आज की मीटिंग के लिए, आज की प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए मैंने सोचा कि हम सब अपना बाइबल खोलेंगे और जिस वर्स और जिस चैप्टर का करना चाहती हूँ वो सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 1 टू 11 तक का है, जो कहते हैं दूसरा पत्रस अध्याय 1 से। और मैं चाहूंगी सभी साथ साथ हम पढ़ते हुए आगे बढ़ें। पहला शमौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। ये वर्स साइमन पीटर के बारे बोला गया है और ये जो हम अभी थोड़ा टाइम हम थोड़ा बिताएंगे इस चैप्टर में 1 से 11 तक के, ये हमें प्रोत्साहन देता है, जहां पीटर हमें प्रोत्साहन देता है परमेश्वर को जानने के लिए और उन्होंने हमारे लिए क्या किया है ये जानने के लिए और हम किस प्रकार से क्रिश्चियन लाइफ जी सकते हैं उसके लिए। तो साइमन पीटर के बारे थोड़ा सा, जो ये फर्स्ट वर्स में कहा जाता है कि हमको सबको पता है कि साइमन उनका बर्थ नेम था और पीटर बाद में जो स्पेशल नाम जीसस ने उनको दिया था, यीशु ने दिया था, क्योंकि जिस तरीके से वो सोचते थे, जिस तरीके से उनका व्यवहार था, वो कहते थे लाइक द स्टोन लाइक द रॉक, तो तभी उनको ये नाम दिया गया था। और पीटर उसी प्रकार से ये पत्र जो लिखा है वो उस तरीके के बिलीवर्स को लिखा है जहां सब आ सके और समझ सके कि हमें जो क्रिश्चियन लाइफ हमें जो व्यतीत करना है वो कैसे होना चाहिए, उसके बारे उन्होंने कहा है। और वर्स में कहता है कि बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। बहुमूल्य विश्वास अगर हम बोले तो जैसे प्रेशियस फेथ, और बहुमूल्य विश्वास इसलिए क्योंकि हर चीज बहुमूल्य है यीशु के बारे में, बहुमूल्य उनके वचन, बहुमूल्य उनका वादा जो उन्होंने हमसे इतना किया है, बहुमूल्य उनका रक्त जो हमारे लिए बहाया गया है, और बहुमूल्य वो इंसान जो हमारा परमेश्वर है। तो हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए उसके बारे सीखेंगे। आगे का वर्स मैं पढ़ना चाहूंगी। तो मैं क्या करना चाहूंगी कि ये जो हर वर्स पे हम ध्यान दें कि हमसे क्या कहा जा रहा है करने के लिए, इसलिए हम साथ पढ़ सकते हैं। पहला वर्स 2-4 लेती हूँ मैं। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायात से बढ़ती जाए, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं,
ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। अभी यहाँ पीटर हमें जो कह रहा है वो हमें ये कह रहा है कि हमें परमेश्वर के मूल्य जो ज्ञान होना चाहिए, हमें परमेश्वर के बारे उनकी जो समझ होना चाहिए उस मूल्य के बारे हमें बताता है। वो कहता है कि हमारे लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर के बारे जाने, उनके बारे समझे। इसलिए ये जो शब्द यहाँ पे यूज किए गए हैं अनुग्रह और शांति, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो ग्रेस एंड पीस। और ये जो है ग्रेस एंड पीस, अनुग्रह और शांति, ये एक तोहफा है जो परमेश्वर से हमें दिया गया है। और अगर हमें परमेश्वर को जानना है तो हमें इन्हीं चीजों को अपने जीवन में एक नींव बना के चलानी है, ताकि हम उस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सके। ये सारी बातें, ये सारी चीजें जो हमें बोली जा रही, जो हमें करने को कहा जा रहा है, ये सारी बातें ईश्वरीय सामर्थ्य से प्राप्त होगी। अगर हम ईश्वरीय सामर्थ्य के बारे बोले तो जैसे दिव्य शक्ति बोल सकते हैं, इसी शक्ति से इस पवित्र का निर्माण हुआ है। यही शक्ति है जिससे स्वर्ग के सितारों का भी मार्गदर्शन होता है। और यही वो शक्ति है जो ब्रह्मांड के स्तंभ को धारण करता है, और यही वो शक्ति होगी जिससे एक दिन ये जो स्तंभ है, जो ब्रह्मांड का स्तंभ को धारण करता है, उसकी नींव को भी हिला देगी और सभी चीजें जो जल से अपने मूल शून्य में वापस कर जाएंगी। यही शक्ति के कारण हम जैसे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, हम लगभग कैसे कहूं मैं, कुछ भी प्रयास करने को तैयार है, हम मतलब कुछ भी प्रयास करने को तैयार है, सिवाय ये कि हम परमेश्वर को कैसे जाने, परमेश्वर को कैसे समझे, उनके बारे में जो ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए उसे कैसे बढ़ाएं। हम मनुष्य के बनाए हुए योजनाओं में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, या ना कि परमेश्वर के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। हम उनके ज्ञान को जानने के बजाय हम स्वयं को जानने में ज्यादा वक्त डालते हैं, जबकि अगर हम उनको जानेंगे हम खुद को पहचान पाएंगे। हम ये भूल जाते हैं। अपोस्टल पॉल ने फिलिपिन्स 3:10 में कहा है, आई मे नो हिम, ऐसा कहा है, आई मे नो हिम। और ऐसा कहते हैं कि हमें अपने आप को उस जगह में देखना है जहां पे मैं अपने आप को इस तरीके से ढाल सकूं, इस तरीके से देख सकूं, जहां की मैं परमेश्वर को पहचानना चाहता हूं, मैं उन्हें जानना चाहता हूं, और मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, अपने जीवन में ऐसा क्या बदलाव लाना चाहिए कि मैं उन्हें जान सकूं, उन्हें पहचान सकूं। और कुछ बातें हैं हम जो बोल सकते हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते, पहचान सकते हैं। उनके वचन के माध्यम से हम उनको जान पहचान सकते हैं, हम प्रार्थना के माध्यम से उनको जान पहचान सकते हैं, और परमेश्वर के लोगों के समुदाय के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं परमेश्वर के बारे। जैसे अभी हम इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, ये भी तो एक परमेश्वर का मतलब के लोगों का समुदाय है, ये कम्युनिटी है जहाँ पे हम आए हुए हैं, और हम साथ उनके बारे हम सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम उनके वचन का ध्यान करते हैं, और हम ये समझने की कोशिश करते हैं, हम वो एक्सपीरियंसेस, लोगों का अनुभव सुनते हैं और जानते हैं कि उन प्रार्थना में कितनी बड़ी शक्ति है और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या कर सकते हैं। तभी तो कहता है कि ये जो चैप्टर लिखा, ये जो अध्याय लिखा हुआ है, ये एक प्रोत्साहन है, एक प्रोत्साहन है, एक एनकरेजमेंट है हमें परमेश्वर को जानने के लिए और वो हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं। अभी ये मिनिस्ट्री में जैसे हम जुड़े हैं, हम अध्ययन करते हैं, हम साथ आ रहे हैं, हम बात करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे परमेश्वर के साथ हमारा जो एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है हमारा परमेश्वर के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमें ऐसा लगता है कि जो हम एक अलोन टाइम, एक अकेला वक्त गुजारते हैं बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, तब परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में देते हैं। पर सिर्फ उतना नहीं है, अभी भी इस वक्त हम जो एकत्रित हुए हैं और उनके बाइबल से, उनके वचनों के बारे हम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे भी परमेश्वर की कृपा हम पर बनी हुई, उनकी आशीष हम पे बनी हुई है, और इससे हम खुद अपने आप को इस तरीके से जान सकते हैं कि हम परमेश्वर को पहचान सके, और हम वी लेट गॉड एक्सपीरियंस, यू नो, हैव दैट एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ जो परमेश्वर का होना चाहिए हमारी निजी जिंदगी में। ऐसे कहता है, वर्स में कहता है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के
अनुसार बुलाया है। ये जब ये बुलाया है कहते हैं, तो जब मैं पढ़ रही थी मैं इससे मुझे समझ आए कि इट्स बीइंग अबाउट बीइंग कॉल्ड, कि किन्हें बुलाया है। और अगर किसी को बुलाया है, ये नहीं कह रहा है कि एकदम इंटेलिजेंट, कि हम एकदम ये कोई बौद्धिक समझ या अंतर्ज्ञानी वाला समझ के बारे नहीं बात कर रहा है। ये हमारा अनुभव, हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है परमेश्वर के साथ जो हुआ है, वैसे लोगों को बुलाया गया है। तभी कहता है, तभी पीटर कहता है कि उसकी तरह बिलीवर, जो जो बिलीवर किसी पे फोर्स नहीं किया हुआ है, किसी को मैन मेड एफर्ट वाला के बाद वो बिलीव हुआ वैसा नहीं, बट थ्रू द राइचियसनेस ऑफ गॉड, उसके द्वारा जो बिलीवर हम बने हैं जैसा पीटर बना था, उन लोगों के लिए है जो हम, जो परमेश्वर हमारी, हमारे लाइफ, हमारे जीवन में काम करता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उनकी उपस्थिति कितनी जरूरी है हमारे जीवन में। और वो ये कहते हैं कि अपनी ही महिमा और सद्रुण से बुलाया है। अब इनके द्वारा उन्होंने जो महिमा और सद्रुण के बारे कह रहा है, उनकी ही महिमा और सद्रुण के बारे जहां वो बातें कर रहे हैं, उन्होंने हमें अत्यधिक महान और अनमोल वचन दिए हैं। इसका ये मतलब है कि उनका वचन उनकी ही महिमा और सद्रुण से है। उनका जो वचन है हमारे पास, वो उन्हीं की महिमा और सद्रुण से है। तो और इसलिए क्योंकि वो उनकी ही महिमा और सद्रुण से है, तो ये तो पूरी तरह से विश्वसनीय हो जाता है हमारे लिए कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर अपनी ही महिमा और सद्रुणता से तो समझौता नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि जो बुलावा हमें दिया जा रहा है, और हम वो हम वो कम्युनिटी, हम वो समुदाय के पार्ट हैं जहाँ हमें बुलाया जा रहा है। तो हमको, जब तक हम परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे, हम अपना कॉलिंग नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए कितना जरूरी है हमें वो गुण अपने लाइफ में समझने के लिए। इनके इनके माध्यम से जो कहते हैं कि हम भगवत प्रकृति का हिस्सेदार बन सकते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने हमारे लिए कितना सैक्रिफाइस, कितना बलिदान दिया है। ये तो जाहिर से परे हैं और से जाना है। तो जो आगे के जो वर्स हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से, किस प्रकार से वो गुण अपने जीवन में लानी चाहिए। और ये जो तीन वर्स हैं, 5, 6 और 7, ये मुझे ऐसा फील होता है ये एक कोर वर्स है जो हमें बहुत सारी सीख देती है। मैं पढ़ना चाहूंगी। कहता है, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्रुण, और सद्रुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ते जाओ। अब हम ऐसा कहते हैं, हम भले ही इस पृथ्वी के भगवत प्रकृति के हिस्सेदार हो, पर हमें जब बुलाया गया, हमें जब बोला जाता है कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो हमारा जीवन अलग हो जाता है, हमारा मकसद अलग हो जाता है, हमारा बुलावा अलग हो जाता है। और हमें जितना भी यत्न करना है, हमें उस तरफ करना है जहाँ की हम अपने में ये गुण बढ़ाने में वो प्रयत्न करते रहे, ताकि हम, हमारे लिए जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो रास्ता चुना है, हम उससे, उसे फॉलो कर सके, उस पर चल सके। हम, हमें इस तरह से सतर्क बनाए कि हम उनकी आवाज समझ सके, जो जो हमें कहना चाह रहे हैं हम वो समझ सके। और थोड़ा टाइम और इन वर्स में बिताते हैं जहाँ पे ये गुण बताए गए हैं, कुछ गुण बताए गए हैं, उनपे हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जरूरी है। स्पिरिचुअल ग्रोथ बोले तो हमारी जो आध्यात्मिक विकास है उसके लिए जरूरी है, और जो प्रगति का काम पूरी तरह से हमारी क्या कहते हैं, हमारी जो खामोशियां है, हमारी जो कमियां हैं, उस पर निर्भर नहीं होती है, क्योंकि ये उस पर भी है कि हम किस तरीके से हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम प्रभु के पास जाते हैं, और कैसे हम इन गुणों को विकसित करने में वो हमारी मदद करेगा। तो हम एक एक करके इन गुणों को देखेंगे। पहला गुण कहता है विश्वास। विश्वास कहता है फेथ।
अगर हम फेथ के बारे अगर हम फेथ के बारे बात करें तो वो हिब्रूज 11:1 में अगर हम पढ़ सकते हैं, एक मिनट में बाइबल खोलती हूँ। सॉरी, दो मिनट। तो हम विश्वास के बारे बात करते हैं, जहां पे जो हमारी नींव है, जो हमारा फाउंडेशन होना है, उसके बारे में हमें बताया जाता है, जो हमारी नींव है और हमारा फाउंडेशन है। मैं टेक्स्ट ढूंढ रही थी और मेरा बाइबल, एक मिनट। आप सब टर्न कर सकते हैं हमारे साथ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्सेस 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये हमारे विश्वास के बारे बात करता है, वो कितना जरूरी है। और थर्ड वर्स में अगर पढ़ेंगे तो कहता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है या नहीं, कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि विश्वास कितना जरूरी है, और ये जो हमें वो जो गुण होना चाहिए, जो हमारा जो फेथ होना चाहिए, वो कितना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इसी फेथ पे जो हमारा आगे का जो हमारे जो दूसरे गुण बढ़ने चाहिए, जो नींव है, वो इस फेथ पे ही डिपेंडेंट होता है, इस विश्वास पे ही निर्भर है। दूसरा कहता है, दूसरा गुण है सद्रुण। सद्रुण वर्च्यू कहेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन का कॉर्नर स्टोन है, और अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में रखें, अगर उनकी मौजूदगी हमारे जीवन में होती है, अगर हम परमेश्वर को हमारे जीवन में कहते हैं कि वी लेट हिम वर्क इन आवर लाइव्स, जो हम कहते हैं, तो जितने भी लालच, ये बुरी टेम्पटेशंस है, ये सारी चीजें खारिज हो जाती है उनके सामने, सारी चीजें उनके सामने खारिज हो जाती हैं। और ये तभी होगा जब हम अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देंगे। हम तो जब हम अपने आप को उनके पास समर्पित कर देते हैं तो शैतान खुद ब खुद भाग जाता है। तो ये जो सद्रुण वाला गुण है, जो वर्च्यू हमें होना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। अगला गुण है समझ, जिसे कहते हैं नॉलेज। अब जितना जरूरी नॉलेज है, उतना ही क्या कहते हैं, डेंजरस और खतरनाक होता है इग्नोरेंस, जो अज्ञान जिसे हम कह सकते हैं, ज्ञान जो बन जाता है, इग्नोरेंस है, जिसके कारण हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक समझ होनी चाहिए, आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि हम लोग बहुत इग्नोरेंट है, हम लोग अज्ञानी है, पूरी समझ नहीं है हमें, और जिसके कारण अगर हम ये जो क्या कहते हैं, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो आध्यात्मिक विकास हमारे जीवन में होना चाहिए, वो नहीं बढ़ पाता। तो ये बहुत जरूरी है, और हमको ये सवाल, जो ये सवाल हमसे, हम अपने आप से पूछना चाहते हैं कि हमारा मकसद क्या है, कि आप और मैं यहाँ क्यों हैं, इन सारी चीज, इन सारे सवालों का जवाब, और क्योंकि एक हमारे जीवन में जो मकसद होना चाहिए उसको समझना हमें बहुत जरूरी है, वो समझ होनी हमें बहुत जरूरी है। और ये समझ, जैसे हम, जैसे मैं पहले कह रही थी, हम इतना वक्त डाल देते हैं हम खुद को जानने के लिए, पर ये ज्यादा जरूरी है कि हम ये वक्त परमेश्वर को समझने में अपना ध्यान और समय डालें, तो हमें समझने में आसानी होती है। दूसरा गुण जो जिसके बारे बात करता है वो संयम। संयम कहते हैं टेम्परेंस, जो
डिसिप्लिन या अनुशासन और कंट्रोल के बारे बोलता है। और ये अगर हर वक्त हमारे पास से कुछ कुछ नया टेम्पटेशन होता है जहाँ पे मतलब हम अपने रास्ता से भटक सकते हैं, और ये सिर्फ मानसिक और शारीरिक तरीके को रोक रखने में नहीं होता है, ये हमें पूरी तरीके से अपने आप को संयम बरतना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन बना करके चलना पड़ेगा, चाहे वो हमारे खाने पीने उठने बैठने रहन सहन हर चीज, हर रोज हम कुछ भी करते हैं उसमें हमें अपना संयम अपना टेम्परेंस दिखाना पड़ेगा, जो बहुत क्लोजली रिलेटेड है दूसरा गुण से जो धीरज के बारे बात करता है। और धीरज जो पेशेंस, अब अगर हम संयम की बात करें और धीरज की बात करें तो ये दोनों साथ चलते हैं। अगर किसी में, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें संयम है पर धीरज नहीं है, या अगर इसमें संयम नहीं है तो इसमें धीरज भी नहीं होगा, ये बहुत ही डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से। तो अगर हमें ये गुण हमें बढ़ाने हैं, अगर हमें ये गुण हमें पनपने देना है तो हमें संयमता और धीरज लाने देना होगा। अगला गुण जो हमें यहाँ बताता है, जो हमें पीटर हमें कहता है कि हमें होना चाहिए, ये बातें हमें होनी चाहिए, वो कहता है भक्ति, गॉडलीनेस। नाउ अगर मैं गॉडलीनेस के बारे बोलूं तो इंग्लिश में अगर बोलूं तो ऐसे फ्रूट ऑफ क्रिश्चियन कैरेक्टर, एक गॉडलीनेस, एक भक्ति जो होनी चाहिए एक क्रिश्चियन में वो होती है। परमेश्वर हमारे घरों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट है, वो एक मेहमान है, और यदि प्रभु हमारे साथ है, ऐसे कहता है, यदि प्रभु हमारे साथ है वो हमारे जीवन में, वो यदि हमारे वो साथ वो रहते हैं तो हमारे शिष्टाचार कोमल होंगे। बहुत जरूरी, हमारे अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में रहने देते हैं तो हमारे शिष्टाचार कोमल होंगे, हमारी बातचीत पवित्र होगी और पवित्र बातों पर हमारे विचार होंगे। ये हमें समझना है, भक्ति से ही ये आएगी। और भक्ति कब होगी? जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में आने देंगे, जब हम उन्हें जानेंगे, जब हम उन्हें अपने जीवन में रखेंगे, तो खुद ब खुद हमें कैसे हम एक पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए वो आ जाएगा। अगला गुण कहता है भाईचारे की प्रीति, यानी ब्रदरली काइंडनेस। और बाइबल में बहुत सारी जगहों पे हमें ब्रदरली काइंडनेस के बारे बताया गया है। अपोस्टल पॉल भी कहता है बी काइंड टू वन अनदर, हमें कहते हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति ध्यान होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति केयर कंसर्न होना चाहिए, हमें एकजुट, हम ये जो एक कम्युनिटी है, हम जो ये समुदाय है हमारा, हमें एक परिवार की तरह जुट के रहना चाहिए। और जैसे परिवार होता है, अगर खुशियां है तो सब में खुशियां बढ़ती है, सब एक जुटा करके महिमा करते हैं। अगर किसी एक परिवार में किसी एक जन को तकलीफ है तो पूरा परिवार साथ में जुट जाता है, उस जिस किसी को भी तकलीफ है उसके साथ खड़ा रहता है, उसकी मदद करता है, उनकी सुनता है और और उनका साथ देता है। और ब्रदरली काइंडनेस और ये भाईचारा बहुत ही जरूरी है। इसके ऊपर एक वर्स है जो मेरा बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस भी है, और मैं वो पढ़ना चाहूंगी आप लोग के लिए। आप लोग चाहे तो टर्न कर सकते हैं अपने बाइबल, जॉन 13 वर्सेस 34 का है ये, और ये मैं दोनों इंग्लिश और हिंदी में पढ़ना चाहूंगी। A new commandment I give unto you, that ye love one another, and as I have loved you, that ye also love one another. परमेश्वर का कहना है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। परमेश्वर हमें ये भाईचारे की आज्ञा देता है, कहता है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे के प्रति प्रेम रखो। हम यहाँ सीख दी जा रही है, परमेश्वर हमसे कह रहा है कि कितना जरूरी है कि हम ये समझें, हम ये जानें कि ये ब्रदरली काइंडनेस और ये जो भाईचारे की प्रीति है, ये गुण कितना इंपॉर्टेंट है, कि उन्होंने एक नया कमांडमेंट, एक नई प्रतिज्ञा ही हमें दी है कि हम ये गुण अपने में पनपने दें। जो आखिरी वाला कहता है वो कहता है प्रेम, लव। ये अगर
हम इस प्रेम के बारे बात करें तो ये प्रेम ही है जो हमारे हृदय और जो हमारे हृदय हमारे दिल और शांति मतलब हमारे हार्ट एंड पीस जो हम बोलते हैं हमारे हृदय और शांति को नियंत्रण में रखता है, जिसको कंट्रोल में रखता है इस प्रेम की वजह से ही। अगर प्यार का दान नहीं है तो चाहे जितना भी उच्च पेशे में या प्रोफेशन में आप क्यों ना हो, वो सब कुछ ही खोखला होगा। तो ये जो गुण हम देखे अभी, जो सारे गुण हमने अभी देखा, विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति और प्रेम, ये इन गुणों को हमें दर्शाना है, ये इन गुणों को हमें अपने आप में पनपने देना है। ताकि एक इंग्लिश में एक लाइन है जो कहती है कि हेवन इज ब्रॉट नियरर बिकॉज ऑफ व्हाट वी डू, एंड व्हाट वी डू इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कैरेक्टर। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा है ये वही बोलता है कि अगर हम ये करते हैं तो हम जो उसके कारण स्वर्ग को नजदीक लाया जाता है, तो ही इन गुणों को हम दर्शा पाते हैं और स्वर्ग को हम नजदीक ला पाएंगे। अगर तो ये कह रहा है कि कितना जरूरी है कि हम ये गुण को दर्शाएं। वर्स 8 और 9 में कहता है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। और जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्व काली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। और यदि ये सारी बातें कह रहे हैं जो हम अभी जो जिन गुणों के बारे में अभी हमने पढ़ा, और यदि जो सारी बातें हमें है और पनपती है, कहता है कि ये लाजमी होगा कि सबको कि हम ना ही निकम्मे और ना ही हम निष्फल होंगे। और ये जो निकम्मा और निष्फल कह रहा है ये एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है उसके ऊपर जब हम नॉलेज और जब हम समझ की बात कर रहे थे। कहता है कि किस तरीके का समझ हमें होना चाहिए। अगर हमें इग्नोरेंस है, अगर हमें वो सही समझ नहीं है, अगर हमें वो आध्यात्मिक समझ जो हमारी आध्यात्मिक विकास में जो काम आए वो नहीं है, तो हम निष्फल और जो ये कहते हैं हम निकम्मे और निष्फल हो जाते हैं। पर ये कैरेक्टर उन पे दर्शाएगा अगर हम इग्नोरेंट होंगे और अगर हमें सही समझ नहीं होगी। तो हमें क्या करना है कि हमारा पूर्ण और गहरा अर्थों में ईश्वर को जानना होगा। ऊपरी जानने में कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो होता है इग्नोरेंट। और हमें एक पूरी तरीके से एक पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए हमें परमेश्वर को जानने में और समझने में। और जिन गुणों के बारे में यहाँ बात हुई जा रही है, हम में से कईयों को लगता है, जैसे कि जब मैं पढ़ी थी मुझे लगता है अच्छा हाँ समझ है, संयम है, धीरज है, ये गुण है मेरे में, इनको मैं समझती हूँ, भाईचारे की प्रीति, ये गुण मैं समझती हूँ। पर क्या ये गुण सिर्फ हम कभी कभी दर्शाते हैं तो हमें क्रिश्चियन है? ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये गुण हमें पनपनी चाहिए, जिसका मतलब है कि हर वक्त हम ये गुण को दर्शाएं, चाहे हम कुछ भी करते हैं इन गुणों की झलक उनमें होनी चाहिए। इन गुणों को हमें उस तरीके से दर्शाना चाहिए, हमारा हर कार्य में इन गुणों का ये गुण रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मतलब दर्शित, हम इसको दर्शित कर सके। और अगर हमें ये सारी गुण नहीं है, कहता है कि हम अंधे हैं, धुंधले, हमें धुंधला दिखता है, इसका ये मतलब है कि हम भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, हम भूल चुके हैं उन्होंने हमारे लिए जो बलिदान दिया है, हम ये भूल चुके हैं कि हमारे जो पुराने पाप है वो धुल सकते हैं। जैसा वर्स में कहता है कि शुद्ध होना हम कैसे भूल बैठे हैं? जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में आने देते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है हमारे साथ, उस वक्त ही हमारा जो, और हम परमेश्वर को अपनाते हैं, उस वक्त ही हमारे जो ये पुराने पाप है सब धुल चुके होते हैं, सब धुल के साफ हो गए होते हैं। पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने खो जाते हैं, भटक जाते हैं, शायद हम भूल जाते हैं कि हमें उनकी कितनी जरूरत है। हम भूल जाते हैं हमारे बुरे काम, हम भूल जाते हैं हमारे पाप जो हम जाने अनजाने में हो जाते हैं हमसे,
और हम ये कभी कभी भूल जाते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है हमें हमें इन पापों से मुक्त करने के लिए। अगर हम देखें इस वर्स में, आइज़ाया चैप्टर 1 में अगर हम देखें, तो यहाँ पे उनका एक बहुत ही अच्छा प्रॉमिस है परमेश्वर का, जो हमारे लिए, जो हमें ये याद दिलाता है कि हमें उनकी कितनी जरूरत है, और चाहे हम भटक क्यों ना जाए, चाहे हम कितने भी पाप में क्यों ना हो, हमें माफ करते हैं। कहते हैं, यहोवा कहता है, आइज़ाया 1:18, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हीम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। It says, Come now and let us reason together, said the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. ये परमेश्वर का प्यार ही है हमारे लिए, जो हमारी इतनी जो हम ये हमारे पाप को भुला देता है, हमें माफ कर देता है, हमें गले लगा देता है, हमें वापस अपना लेता है, वापस हमें अपनी जिंदगी में अपना लेता है। ये उनका प्यार ही है हमारे लिए, उनका उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया हमारे लिए, हम और जो बलिदान किया है उसके बारे कहता है। आगे के वर्स अगर हम पढ़ें तो वर्स 10 और 11 कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो भी कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। अब कहते हैं, यदि हम इन सब बातों का, इन सब गुणों का हम रोज अपनी जीवन में हम अपने आप को इनसे परिचय करें, अपने इनमें पनपने दें, तो हम कभी भी नहीं लड़खड़ाएंगे, हम कभी भी वैसा ठोकर नहीं खाएंगे। परमेश्वर हमारे हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम जो उन्होंने हमारे लिए जो मार्गदर्शन दिखाया है, हम वो देख पाएंगे और एक ऐसा जीवन हम जी पाएंगे जो बहुत ही एक क्रिश्चियन लाइक क्राइस्ट लाइक होना चाहिए। और कहता है कि हम उनके पुत्र के अनुरूप होंगे, जो बहुत ही जरूरी है, लाइक इमेज ऑफ हिज सन, फादर सन। और ये जो गुण है हमारे लिए, जो हमें यहाँ पे सिखाया गया है, कहता है कि ये हमें जो हेवनली लाइफ है, जो हमारा जो स्वर्गीय जीवन है जो आने वाला है, उसके लिए भी हमें तैयार करता है। और हम किस हम जब मैं ऐसे पढ़ रही थी, मैं खुद में ये सोच रही थी कि हम इतनी आसानी से हम ये बात भूल जाते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम इन गुणों को अपने जीवन, अपने रोज के जीवन में हम कैसे यूज करें, कैसे चलाएं, हम कैसे दर्शाएं। आज मुझे ये भी एहसास होता है कि जैसे मैं अभी अपना एग्जाम्पल दूंगी, मिशन में नहीं काम कर रही हूँ, बाहर काम कर रही हूँ, ये मुझ में एक ये गुण जो मेरे आसपास है, यही मेरा बुलावा है कि मैं उस तरीके का नेचर, उस तरीके का कैरेक्टर दिखाऊं लोगों में, ताकि उनका ही तो बुलावा है, उन्हीं ने ही तो मुझे इस समझ दी है मुझ में कि कैसे मुझे इस ज्ञान का मुझे समझ है, कैसे मुझे इस परमेश्वर के बारे पता है, और मैं उनके बारे बता सकूं, लोगों को बता सकूं। हम जो ये वर्सेस हमने अभी देखे हैं, हमें ऐसा ये नहीं है कि हमें ये फॉलो करना है, ये वो, उसके बारे में मैं सिर्फ नहीं बात कर रही हूँ, मैं उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमें खुद से ये सवाल करना है कि अगर मुझे ये कैरेक्टर दर्शाना है, अगर मुझे ये सारे गुण हमें लोगों के सामने और हमें अपने जीवन में लाना है, पनपने देना है, वो क्यों करना है हमको, ये वो समझ हम होने में बहुत जरूरी है, वो सवाल हमें खुद से करना है। हमें जानना है कि मैं जो ये वर्सेस में कहता है कि मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाएंगे, मतलब मैं कितने शानदार तरीके से मैं स्वर्ग में प्रवेश करूंगी,
ये मेरी समझ है, वो मुझे जानने में कितने शानदार तरीके से अपने पिता के राज्य में प्रवेश करूंगी, और मेरा परमेश्वर से मेरा रिश्ता क्या है वो मुझे समझना है, वो मुझे खुद से सवाल करना है कि मेरा जो रिलेशनशिप है, मेरा जो रिश्ता परमेश्वर से है वो क्यों है, किस लिए है वो, मुझे क्यों जरूरी है वो रिश्ता, मेरे जीवन में क्यों जरूरी है, और प्रभु खुद मेरे जीवन में क्या मायने रखते हैं और क्यों उनकी मान्यता इतनी जरूरी है मेरे जीवन में। तभी अगर हम ये सवाल के जवाब खुद में ढूंढेंगे, जब हम उनके बारे पढ़ते हैं तभी हम ये गुण अपने में लाएंगे। हम चाहे जितने बार भी पढ़ सके, यू नो कि जो हमने पढ़ा कि सक्षम, संयम, धीरज ये सब बरतना है, पर अगर हम ये नहीं जानते हैं कि, और अगर हम एक अपना एक रिश्ता नहीं बनाते हैं परमेश्वर से, और ये समझ नहीं पाते कि उनका जो मान्यता हमारे जीवन में क्या है, हम ये गुण अपने में नहीं बढ़ा पाएंगे, और वो कभी ना ही वो फाउंडेशन, वो नींव बन पाएगी, ना ही वो, तो वापस हम वही हो जाएंगे कि हम ये कभी हर वक्त नहीं दर्शा पाएंगे, कभी कभी ही दर्शा पाएंगे, हम लोग वो इग्नोरेंट क्रिश्चियन बन जाएंगे, और जबकि हमें कैसे कहूँ, जबकि हमें इंटेलिजेंट क्रिश्चियन होना चाहिए, और क्योंकि ये कोई इंटेलेक्चुअल बात की नहीं है, ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, मेरा मतलब मेरा पर्सनल अनुभव जो है परमेश्वर के साथ, वो मेरा रिश्ता जो मैं परमेश्वर के साथ बनाती हूँ उसी से होगा। तो वही सवाल अगर हम अपने आप से करें और हम जवाब पाए, जब हम इनके बारे पढ़ें हम सीख सकेंगे। आगे मैं सिर्फ ये कह के अंत करना चाहूंगी कि पीटर कहता है कि वी शुड बी क्राइस्ट स्लेव्स, लाइक गॉड स्लेव्स, भगवान के दास। जब ये कहते हैं ना भगवान के दास, तो मैंने सोचा कि क्राइस्ट स्लेव्स, भगवान के दास कहने का मतलब, होने का मतलब क्या होता है इसका? होने का मतलब जैसे फर्स्ट वर्स में हमने देखा था कि यीशु मसीह का दास और प्रेरित है पीटर, हमेशा वो जो ऑर्डर में लिखा है वो बहुत जरूरी है, कि पहले उसने अपने आप को दास बुलाया है, फिर प्रेरित जो एक अपोसल है, वैसे हमें कहता है कि हमें परमेश्वर का दास होना चाहिए, भगवान का दास होना चाहिए। तो उसका अर्थ जो मैंने खुद समझ के अगर मैं कहूँ तो कहता है कि हम भगवान के पास असक्षम रूप से हों, मतलब पूरी तरीके से भगवान के पास हो, असक्षम रूप से हो, तभी हम वैसा एक्सपीरियंस कर पाएंगे, हम लोग उस तरीके का बिलीवर जैसा पीटर था वैसा बन पाएंगे, तो ही हम कभी हम बोलते साइमन पीटर क्यों बोलते हैं, साइमन तो उसका पहले का नाम था पीटर बाद में, पर उसको ये भी जरूरी था कि वो कभी ये भूल ना सके वो कहाँ से आया था और उसके जीवन में क्या परिवर्तन लाया था मसीह के आने से, तो तभी वो हमसे कहता है ये। और मैं इस बात को बोल करके ये मैसेज को एंड करना चाहूंगी कि क्रिश्चियन बिलोंग्स टू गॉड। हम जो अभी पढ़े हैं, ये जो हमें प्रोत्साहन मिला है कि परमेश्वर को जाने, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है वो जाने, हमने एक क्रिश्चियन कैरेक्टर क्या होना चाहिए, हमें कौन से गुण अपने में बढ़ाने चाहिए ताकि हमें एक श्योर क्रिश्चियन लाइफ हो, वो सब हमने सीखा है। तो एक जो क्रिश्चियन होता है वो बिलोंग्स टू गॉड, यानी एक ईसाई ईश्वर का ही है, तो हम भी ईश्वर के, हम ईसाई धर्म के हैं, हम ईसाई हैं, हम ईश्वर के हैं, तो हमें अपना अपने आप को उस तरीके से समर्पित करना होगा। थैंक यू अपना समय देने के लिए। इस संदेश को मैं यही छोड़ती हूँ इन सवालों से जो हम अपने आप से कर सकते हैं, हम अपना टाइम में ध्यान कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और वी कैन लेट गॉड वर्क इन आवर लाइव्स एंड टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स। इसी बात से परमेश्वर हम सबको आशीष दे, उनकी आशीष हम पे बनी रहे। हैप्पी सैबथ। थैंक यू।